good afternoon, everybody. my name is Dalat <clears throat> and i belong to madag. basically, and uh, today i am making a video related to tenses on the recommendation and demand of my students that uh, i have to make one video on tenses related to इज़ एम आर एंड हाउ टू यूज़ इज एम आर एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इज एम आर एंड हाउ टू यूज़ इन देंटेंसेज सो इससे संबंधित मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो इज है वो कैसे यूज़ करना है उसके जो यूजेज है उसका जो प्रयोग है कहाँ करना है कैसे करना है कब करना है फ्रेंड्स uh, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश में जितने भी टेंसेज होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब होती हैं ठीक है हर एक टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं सबसे पहले हमें उस हेल्पिंग वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है अंडरस्टैंड करना है को रिलेट करना है कि उसका जो प्रयोग है वो कब कहाँ यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू टेंस तो हम उसको कर लेंगे अंडरस्टैंड कर लेंगे समझेंगे रूल है जितने भी है उसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे देन क्वेश्चन राइज दैट वेन वी हैव टू आइडेंटिफाई वैन वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वो ओवर द गिवन सिचुएशन इट हैपन् टाइम्स इन एवरी वन लाइफ वन वी यूज़ कॉमन लैंग्वेज एंड इंग्लिश टू हिंदी ये हमारे दिमाग में आता है हमने कैसे यूज़ करना है तो आज इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जो इज़म आर है ठीक है वो कब किस परिस्थितियों में यूज़ किया जाता है सबसे पहली बात ये थी इंग्लिश में डरने की कोई बात नहीं होती है ये बहुत ही आसान है आसान भाषा है ठीक है ना जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, हमें सिर्फ सिचुएशन का पता होना चाहिए अब ये नहीं है कि हमने दस सेंटेंस सीखे दस न्यू वर्ड हमने जो है सीखे और उसी को ही हम जो है यूज़ करें अच्छी बात है सीख लेंगे वर्ड सीखना अच्छी बात है लेकिन उसका प्रयोग कैसे करें कब करें ये सोचने वाली बात होती है ठीक है तो एम आर की अगर मैं बात करूं तो इसका सिचुएशन आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बात मैं आपको बोलूँ ई एम आर कहाँ यूज़ होता है कौन से सिचुएशन में यूज़ होता है पहले ये आपको पता होना चाहिए उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे मैं ज़्यादा बातें न करता हुआ मैं आपको सीधा टॉपिक पे ले आता हूँ एम आर का जो एम आर है वो तीन चार प्रकार से यूज़ किया जाता है और चार सिचुएशन आप कह सकते हैं चार सिचुएशन में परिस्थितियों में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं वो सिचुएशन कौन सी है वो हमें जो है याद होनी चाहिए लर्न होनी चाहिए बाकी हमें इंग्लिश के रूल आए ना आए लेकिन अगर सिचुएशन हमने अंडरस्टैंड कर ली ग्रामर हमारा ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन में इंक्लूड हो जाता है वो सिचुएशन कौन सी है जो ईज आर में यूज़ होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ अगर हम ईज एम आर की बात करें तो पहले ये कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ होता है टेंस में तो होगा हो ही होगा ठीक है उसके बाद हम पैसिव वॉइस में उसको यूज़ करते हैं ये हमें पता होना चाहिए मैं सिर्फ ईज एम आर की बात कर रहा हूँ इसमें डिटेल बहुत सारी है वो मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूँगा अलग से वीडियो बना के ठीक है जो इज एम आर है कॉन्टीन्यूस टेंस में मैंने बताया वॉइस नाउन कॉम्प्लीमेंट और अदर में यूज़ में हम इसको यूज़ करेंगे ठीक है अब कॉन्टीन्यूस टेंस की अगर बात करें तो आपको पता है भारत तीन मेन टेंसेज होते हैं आपको पता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये इसको बताने की जरूरत नहीं है दोहराने की ज़रूरत नहीं है एवरीबडी नोज़ इट वेल तीन टेंस मेन टेंस होते हैं तीनों के चार प्रकार होते हैं आपको पता है ठीक है और ये टोटल जो है हमारे पास बारह टेंसेस हो जाते हैं चार चार काइंड इसके प्रति एक टेंस के हैं तो ये बारह हो जाते हैं ठीक है प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ये गए प्रेजेंट के इसी प्रकार पास्ट और फ्यूचर के होंगे ठीक है तो आज में हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में बात करेंगे और उसके अदर यूज़ेज में बात करेंगे जैसे कि मैंने बताया आपको इज एम आर कॉन्टीन्यूस टेंस में तो आपको कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान मैं बता देता हूँ वैसे आपको पता भी है अब अगर हम हिंदी में बात करें तो की वर्ड सिर्फ आपने याद रखना है सिर्फ ये नहीं देखना है जैसे हम लर्न करते आ रहे हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है रही है रहे हैं सिचुएशन कुछ भी हो सकता है ये सिचुएशन ओल्ड मेथड में चलता था अब जो है इम्प्रूव हो चुकी है इंग्लिश एडवांस्ड इंग्लिश में हम जो है प्रवेश कर चुके हैं तो इसका की वर्ड सिर्फ इतना होता है कि इसमें कॉन्टीन्यूटी याद रखो आप अगर एक्शन में कॉन्टीन्यूटी है वो कॉन्टीन्यूटी भी दो तीन प्रकार की होती है वो हम uh, आने वाले टेंसेज में भी सीखेंगे और मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे यूज होती है ठीक है ना तो कॉन्टीन्यूस टेंस में आप सिर्फ यही याद रखो हिंदी में कि उसमें आपका जो काम है वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप बोल सकते हैं जब आप बोल रहे होते हैं उस पर चल रहा होता है यानी कि वो काम आपने जस्ट स्टार्ट किया है शुरू किया है वो अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ यानी कि मैं अभी पढ़ना शुरू किया है ठीक है ना या लिख रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ मैं सो रहा हूँ जाग रहा हूँ देख रहा हूँ है लड़ रहा रहाँ कुछ भी आपका जो लग रहा कि आप हिंदी के अंत में ऐसे नहीं देखना है कि रहा है रहे हैं ठीक है ये ओल्ड मेथड था अच्छा था ऐसा नहीं है था लेकिन इसमें आपको कन्फ्यूजन आएगी अगर कोई सेंटेंस इस सेंस में आएगा तो आप उसको कॉन्टीन्यूटी में ले जाएंगे जबकि वो वहाँ पर नहीं होगा इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्टीन्यूटी ये आपने रखना है कॉन्टीन्यूस टेंस का मतलब है जिस काम में कॉन्टीनटी है जो आपने हाल ही में शुरू किया है तो इज एम आर की अब बात करें इज सिंगुलर में लगेगा और आर प्लूरल में लगेगा और एम ओनली आई के साथ लगेगा आई एक फर्स्ट पर्सन है उसके साथ यूज़ किया जाएगा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आई ये जो है यूज़ किया जाता है ठीक है ये तो कॉन्टीन्यूस टेंस की बात होगी अब हो गया दूसरा टेंस हम इसका यूज़ करते हैं वो होता है पैसी वॉइस एक्टिव और पैसी वॉइस में भी यूज़ किए जाते हैं तो इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि इज एम आर जो है पैसी वॉइस में भी यूज़ किया जाता है अब जैसे मैं आपको बताऊँ द रूम इज़ क्लीनड ठीक है तो इसका अगर आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो आप क्या करेंगे अब आप अगर इज की बात करें तो इज तो हमने कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है हमारे अकॉर्डिंग टू रूल जो टेंस का है है ना कॉन्टिन्यूस टेंस में लगेगा तो टेंस में के साथ जो है प्रयोग जो किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लेकिन यहाँ पर आई एन जी तो यूज़ नहीं हुआ है यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये हमें पता होना चाहिए जब हेल्पिंग वर्ब के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी तो वो पैसिव वॉइस बनेगा तो इसका सेंस क्या बनेगा जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि रूम इज़ क्लीन अब हमने इज यहाँ पर यूज़ किया है आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है ठीक है अदरवाइज़ आप आर और एम में जो है कन्फ्यूज़ हो जाएंगे एक शॉर्ट बात है जो इंग्लिश है वो आपके जो है डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे सिंगुलर या प्लूरल पे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली हम यूज़ करेंगे ये हम कब करेंगे जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें मैं ये क्लियर करा दूंगा अभी मैं बेस आपको बता रहा हूँ इज एम आर का जो है वो कॉमन है ठीक है तो जैसे मैंने बोला रूम इज़ क्लिन यानी कि कमरा साफ़ किया गया है द रूम इज़ cleaned. अब हिंदी का अनुवाद आप जब देखेंगे तो आप थोड़ा डिफरेंट पाएंगे इज़ क्लिनड मैंने बोला अगर आप रूम इज़ क्लीनिंग कुछ बनेगा नहीं बनेगा ये गलत हो जाएगा अब बोलो क्यों क्योंकि जो हमारे पास जो रूम है वो कोई काम नहीं करता वो करता नहीं है सब्जेक्ट हमारे पास काम करने वाला होना चाहिए जब सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं है तो समझ लीजिए कि ये पैसी वॉइस है इस तरीके से आप यूज़ कर लीजिए आपको जो पैसे वाइज भी समझ में आ जाएगा इज इस इसलिए बताया है क्योंकि हम प्रेजेंट कर रहे हैं इज एम आर प्रेजेंट की फॉर्म में हम यूज़ करेंगे जितना भी जो बनेगा जितने भी प्रकार में हम इसको यूज़ करेंगे वो प्रेजेंट में ही होगा अब अदर यूज़ेज में देखेंगे आप जैसे कि बोला आई एम टू गो ही इज़ टू गो बस इज़ टू कम यानी कि बस आने वाली है मैं जाने वाला हूँ वह काम करने वाली है मैं खाने वाला हूँ इस पोजीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं अदर यूजर्स में और नॉन कॉम्प्लीमेंट में अब जैसे कि इसको डिस्क्राइब करना है कि वो हो एक आदमी है ही इज़ अ मैन दिस इज़ अ पेन है ना उसको बोलते हैं नॉन कॉम्प्लीमेंट ठीक है अगर ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि सिचुएशन कब हम जो इज़ एम आर यूज़ करना है मैंने सिर्फ इज़ एम आर की बात की इसके सेंटेंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने क्लियर करनी है आइडेंटिफाई करनी है उसको भी मैं एक एक वीडियो आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी लाइक और शेयर ज़रूर करें थैंक्स हैव अ नाइस डे